रहीम। अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आपके रोज़े जो हैं रमज़ान के बहुत ही ज़बरदस्त गुज़र रहे होंगे, बिल्कुल बहुत ही आफियत से, सलाहियत से। और वैसे तो धूप बहुत तेज़ है और मैंने सोचा कि चलो अपने ब्लॉग की शुरुआत कर ली जाए। और बज रहे हैं 11 और आज जुमा है। आप सबको जुमे की ढेरों मुबारकबाद। और बाज़ार भी जाना है, नमाज़ आकर के पढ़ेंगे, नहाना वगैरह हो चुका है और थोड़ा सा जो है लाइट का काम हो रहा था कमरे में, तार वगैरह फैला हुआ था, उस दिन रह गया था क्योंकि कोके नहीं मिले थे, जो दीवार में गाड़ने वाले कोके होते हैं वो। क्या हो रहा है? ये दोनों भाई ना हर वक्त लड़ाई करते हैं, ये देखिए। तो ये दोनों जो है बस इनका ऐनी रहता है। तो बाजार भी जाना है और जोड़ लिया है साहब। धन ने हो महारानी रोजी, धन ने हो। ये बैठी हुई है कितने का था? 203 रुपीस का सामान हुआ था। उसने कितने पैसे नहीं दिए? अरे भैया 500 की नोट ले गई थी, 203 रुपए का सामान हुआ तो कितने बचे? 200, अगर 500 में से 203 रुपए निकल गए तो कितने बचे जानू बताओ? कितना बचा? 297। तो देखो कितने बचे, 297 रुपए हैं। वाह रे भैया, क्या कौन सी स्कूल ने पढ़ा था? आनंद भवन में और नेशनल नहीं 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 आनंद भवन की पढ़ी, आनंद भवन पढ़ी। हाँ 297 का इतना लंबा चौड़ा हिसाब हो गया, लग रहा लाखों का। एक बार में बता दिया तो ब्लॉग की शुरुआत बहुत अच्छी हो गई। सारे लोग रोजी की जो है क्या कहते हैं हिसाब किताब की जो गणित है बहुत वीक है। रोजी हिंदी की गिनती नहीं जानती हो? 203 जान जाएंगे मगर कैसे इकट्ठा जब सब वो होते हैं। तो देख लीजिए आप लोग रोजी को जो है क्या कहते हैं गिनती गिनने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। झंडू वाम मंगाया भैया, सर में बहुत दर्द हो रहा था और आज जो है मेरे सर में इतना दर्द है। तो जो है क्या कहते हैं वो क्लिप आपको भी आगे देखने को मिलेगी मेरे सर में दर्द क्यों है, क्योंकि हम बाजार से आ चुके हैं, नमाज हो गई है, जुमा भी गुजर गया है और बज रहे हैं 5:35 है ना। और 6:30 पे हमारे कितने बजे रोजा खुलेगा? 6:30 पे, तो 6:30 पे रोजा खुलेगा। और रोजी अभी भी बेचारी परेशान है हिसाब किताब जोड़। अब भैया रहने दो वरना तुम्हारे ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, पागल हो जाओगे। अब छोड़ दो, हिसाब मत करो ज्यादा। तो चलिए फिर ब्लॉग में ही बने रहिएगा। जो मेरे चैनल पे नए होंगे वो लास्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। और आप सब भी जो है हर नमाज में मेरे लिए दुआ करिएगा ताकि मेरी सेहत अच्छी हो जाए, मेरा चैनल मोनो हो जाए। और बस यही सारी बातें हैं। तो चलिए फिर आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पे भी मेरा पेज बना दिया है जिया ने, नहीं नहीं महक ने बनाया है सॉरी। और जो आप इंट्रो देखते हैं वो इंट्रो मेरे जानू ने बनाया है। और इस ब्लॉग में सबसे खासियत क्या है मालूम है आपको? इस ब्लॉग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो जानू है, जानू आज मेरे बने थे कैमरा मैन ये। तो आप भी सलाम दुआ तो कर लो। तो जानू कैमरामैन ने आज बाजार में बहुत ही जबरदस्त जो है क्या सारी चीजें कैप्चर की हैं और इन्होंने शूट करने की बहुत अच्छे से कोशिश की है। भाई इसने जो है क्या कहते हैं शूट किया है, वॉइस ओवर हमने किया है, एडिट हमने किया है, तो हम दोनों के लिए एक थम्सअप तो बनता ही है। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज, मेरे लिए ना करिएगा लेकिन जानू के लिए जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर ब्लॉग शुरू करते हैं आगे और फिर आपसे लास्ट में मुलाकात होगी। वैसे तो मैं सारे पूरे ब्लॉग में आपको नजर आऊंगी बाजार में घूमते हुए, और इस टाइम में बाजार नहीं जाना चाहिए लेकिन जो है क्या करें, मजबूरी थी जाना क्योंकि खजूरें खत्म हो गई थी, कुछ फ्रूट्स लाने थे और आज मेरे यहाँ की जुमे की बाजार भी थी तो इसीलिए जिया गए थे। और बिल्कुल परेशान मत होइए, हम फुल प्रिकॉशन के साथ गए थे, सैनिटाइजर और मास्क सारी चीज़ें जो है क्या कहते हैं, जिया ने भी मास्क तुरंत रास्ते में खरीद के लगाए, वो भी आप अभी आगे देखने को पाएंगे। और जानू को बहुत क्रिकेट प्रेमी है, आज कौन खेलने वाला है? आज का MI वर्सेस DBKS। क्या है MI वर्सेस पंजाब टीम?
अच्छा पंजाब किंग्स, और ये बहुत बड़ा लवर है क्रिकेट का। और जानू के माशाल्लाह से पूरे रोजे चल रहे हैं, लेकिन अभी जिया के रोजे जो हैं छूटे हुए हैं, बिकॉज आप सबको पता है जिया को फिर से फीवर जो है क्या कहते हैं हो गया है, क्योंकि इस मरदूत ने माँ की बात नहीं मानी, इसने कोल्ड ड्रिंक पिया, और जैसे ही कोल्ड ड्रिंक पिया कोल्ड ड्रिंक ने अपना जो है बहुत अच्छा सा काम करना दिखला दिया। तो ये जो आदमी छुपे छुपे काम करता है, नहीं मानता माँ बाप का कहना, तो फिर वो झेलता है ना रोजी, रोजी भी मेरे साथ है। तो चलिए फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, चलिए आगे आप इंजॉय करिए ब्लॉग को, और फिर आपसे लास्ट मुलाकात होती है। तो जनाब हम लोग घर से निकल चुके हैं और जिया ने मास्क ख़रीदा है, तो हम उससे पूछ रहे थे ये कितने का है, तो इन्होंने कहा कि 25 का, बल्ला जाने कितने का है। तो चलिए फिर यूं ही बने रहिएगा, मार्केट चलते हैं साथ में। हेलो एवरीवन, आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आज हम मार्केट जा रहे हैं, जबकि जाने वाला नहीं है, लेकिन कुछ ज़रूरियात ऐसी होती है कि बंदे ने जाना होता है। ये हमारा मोहल्ला है, हमने सोचा चलो आपको थोड़ा सा अपने मोहल्ले की सैर करवाते हैं। ये न्यू मार्केट बनी है, ये तो छोटी दुकान है ना, हम लोगों का मार्केट जाने का सफ़र शुरू हो चुका है। हम लोग ऑटो में बैठ गए, तो ये सब बच्चे जो थे बहुत एक्साइटेड थे, सबसे ज़्यादा जानू हमारे एक्साइटेड थे बाज़ार जाने के लिए, जबकि रोज़ा थे, धूप इतनी तेज़ थी, लेकिन बंदा बार बार यही कह रहा था। पूरी मार्केट में करने के बाद भी वीडियो भी शूट कर रहा था, कह रहा मुझे भैया बिल्कुल भी रोज़ा नहीं लगता है, चाहे आप इसको जीने पर 10 बार उतार लो चढ़ा लो, ये इतना ज़्यादा माशाअल्लाह से एनर्जेटिक है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। तो और कई सालों से जो है रोज़ा जो है जानू बराबर रख रहे हैं, तो अल्लाह पाक हर बच्चे को इतनी ही हिम्मत दें, इतनी ही ताकत दें, और बच्चों के अंदर जब हिम्मत और हौसला बचपन से ही डाल दीजिए रोज़ा रखने की, और जो अल्लाह की तरफ से अकीदत होती है और दीनी तालीम होती है, तरबियत होती है, तो फिर बच्चों को अगर बचपन से अगर ये चीज़ें हम बच्चों में कूट कूट के डाल देते हैं, तो वो पूरी ज़िंदगी उनके साथ बनी रहती है, और आने वाली नस्लें दर नस्लें जो है क्या कहते हैं उसका फ़ायदा उठाती हैं। तो इसीलिए बच्चों की जो दीनी तालीम है, दुनियावी तो ज़रूरी है ही है, दीनी तालीम के साथ साथ मतलब दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी बच्चों में बहुत ही ज़रूरी है। और जब से हमारे जानू और महक माशाल्लाह से जो है क्या कहते हैं समझदार हुए, इन लोगों के भाई बहन के एक भी रोज़े नहीं छूटे, चाहे जितनी भी शदीद गर्मी होती हो। ये लोग रोज़ा रख के स्कूल बराबर जाते थे, जबकि ये लोगों की पढ़ाई वगैरह इतनी टफ है, ICSE बोर्ड, और उसके बाद भी ये लोग रोज़े भी रखते थे, ट्यूशन भी जाते थे, तो मुझे इन लोगों को देखकर बहुत खुशी होती थी। और हम तो जो है जब छोटे थे, किसी दिन हम आपसे जिक्र करेंगे अपनी रोज़ा खुशाई के बारे में, आप सब बहुत हंसोगे, बहुत हंसोगे। तो जनाब हम मार्केट में आ चुके हैं, और देखिए मार्केट में माशाल्लाह से ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन हाँ ये है कि भीड़ थी। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कॉटन के सूट्स बहुत अच्छे रेंज पर आए हुए थे, तो वही हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने जो है 2 सूट लिए, जब घर पहुंचेंगे तो आपको अपनी सारी शॉपिंग दिखलाएंगे। और कैमरेमैन ने जो है ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, जहाँ भी शूट किया बस जो है कुछ सेकंड की। तो हमने कहा जानू भैया आपने तो इतनी छोटी छोटी क्लिप बनाई हो मुझे एडिट करने में, और बड़ी दिक्कत होगी, तो खैर चलिए मेहनत मैंने की है, और आप सब आगे यूँ ही बने रहिएगा। तो देखिए माशाल्लाह से इतनी रौनक है, इतनी रौनक है, बहुत अच्छा लग रहा था मार्केट में। काश ये जो कोरोना काल चल रहा है ये ना होता, तो आज मार्केट में इतनी भीड़ होती कि कोई भी चीज़ लेना जो है क्या कहते हैं मुश्किल होता। तो मैंने बताया ना कि खजूरें वगैरह ख़त्म हो गई थी, अम्मी हमारी खजूर से ही रोज़ा खोलती हैं, सभी खोलते हैं, तो बस ये सारी चीज़ें लानी थी, वरना मार्केट हम भी ना आते, जिस तरह का माहौल इस वक्त जो है क्या कहते हैं मुल्क में फैला हुआ है। लेकिन कहते हैं ना जो इंसानी ज़रूरियात होती है उसके लिए निकलना ही पड़ता है। तो दवा भी लेनी थी, वो भी हम आपको आगे भी शेयर करेंगे। मेन तो जो है दवा ही थी जो मेरी ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए तरह तरह के लवाजमात जो है रोज़ा इफ्तार के लिए बिक रहे हैं, सारी होटलों में बहुत ही रौनक है, लेकिन बाज़ार में रौनक नहीं है, क्योंकि होटल में जो चीज़ बनती है उससे तो रौनक होती है, लेकिन महा रौनक तो सिर्फ लोगों के आने से होती, हुजूम से होती है, तब पता चलता है कि हाँ जो है क्या कहते हैं
रमज़ान शरीफ चल रहे हैं, और जो रमज़ान शरीफ की रौनकें होती थी अब की इस मतलब पिछले साल भी यूं ही गुज़रा और इस साल भी जो है क्या कहते हैं वही हिसाब किताब है। तो ये जो छोटा सा बच्चा है कह रहा मुझे मत लो, मुझे शर्म आती है। तो जानू ने कहा शर्म कैसी, तो बस फ्रूट्स वगैरह लिए, खजूर ली, तो ये सारी चीज़ें जो है क्या कहते हैं बाज़ार में लेने के लिए हम आए थे, तो ले भी ली अल्हम्दुलिल्लाह से। सच्ची बता रही हूँ, बहुत दिक्कत में हूँ, दर्द हो रहा है तो ऐसा है। तो बस ये थैला रखा हुआ है सामने, ठीक अभी हम आपको जो है दिखलाएंगे कि क्या क्या सामान लेकर के आए हैं। और इतनी ज़्यादा सी थकान है, चलिए हम आपको फटाफट से वो सामान जो है दिखला देते हैं, फिर उसके बाद जो है आपसे इजाज़त। जब हम घर आए बाज़ार से और 1:20 हो रहा था, 1:20 हो रहा था और ये जोहर का टाइम हो गया, हमारे यहाँ 1:30 अजान होती है। तो वैसे तो जुमे के दिन 1:15 पे हो जाती है, लेकिन जो है जमात जो है 2:45 पे खड़ी होती है। तो यहाँ पर कुछ मांगने वालों का हुजूम था, मतलब ज़रूरतमंदों का, तो रमज़ान शरीफ में ये लोग निकलते ही हैं और इंसान इन्हें लेता देता भी है। तो ये सब बैठे हुए थे क्योंकि नमाज़ पढ़ने के बाद जो है सारे लोग बाहर निकल कर देते हैं, और यहाँ पर मेरी भी जुमे की नमाज़ जो है हमने भी पढ़ ली फटाफट से। तो चलिए हम जो ले कर के आए शॉपिंग में आपको दिखा दें, वरना फिर इफ्तार का टाइम हो जाएगा, फिर हम किचन में लग जाएंगे। तो हमने सोचा कि आपके साथ शॉपिंग शेयर कर दें, इसको शायद विंडो शॉपिंग बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग, पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये वही कीमिया खजूर है जो मैंने लिया, और कहते हैं कीमिया खजूर खाने से जो है ब्लड बढ़ता है। तो खजूर की तो ना जाने कितनी हज़ार वैरायटी होती है यार, और हम तक तो बहुत अच्छी वाली नहीं पहुंचती, लेकिन जहाँ की ये पैदावार है वहाँ तो बहुत तरह तरह की जो है खजूरें पाई जाती हैं। तो ये देखिए, ये जो है 2 सूट हैं छोटे बच्चों के, आप सोच रहे होंगे ये किसके लिए है, तो हमारे यहाँ चचा जो हैं उनका पोता हुआ है, तो हम उन्हीं के लिए जानू उन्हीं के लिए जो है क्या कहते हैं ये कपड़े ले करके बच्चे के लिए आए थे। और ज़िया ने जो है मीठे खुरमे लिए हैं, और मीठे खुरमे लिए थे, तो हमने कहा कोई खाएगा नहीं, आप सिर्फ़ अपने भर के लो, तो इन्होंने ज़रा से ले लिए। और यहाँ पर जो है शॉपिंग में
शॉपिंग में जो है क्या कहते हैं काला जाम है, तो ये रखा हुआ है। ये आप सभी जो है रोज़े के टाइम अफ्तार के टाइम खा लीजिएगा। तो ये हम ले आए थे क्योंकि हमारे यहाँ बेटे को बहुत पसंद है, और जिनके यहाँ से हम ले करके आए, आपने मिठाई की दुकान देखी वो घंटा घर के पास है पहलवान जी की, तो उनकी मिठाई जो है बहुत ही औसम होती है। हम लोगों को जब भी नज़र और फातिया दिलानी होती है तो हम लोग जो है ये लेकर आते हैं। और ये हमने इयर रिंग्स लिए अपने लिए और क्लेचर है, क्योंकि मेरे सारे क्लेचर जो है बालों की हेयर पिन टूट गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, अब गर्मियों का सीज़न है और अफ्तारी में तरबूज़ वगैरह रहे तो बहुत ही अफ्तारी की रौनक बढ़ जाती है। और वैसे भी हमें पानी वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि तरबूज़ में 90% सिर्फ पानी होता है। और ये कुछ चिप्स वगैरह लिया है, तो ये सारी शॉपिंग मैंने जो है क्या कहते हैं कि जब अब गए थे एक सामान के लिए, तो जो सामने चीज़ें पड़ती गई जो ज़रूरत की थी वो हमने लिया। और आज कुछ अफ्तारी का सामान हमने बाहर से लिया है, मीठे समोसे हैं और अरे और भी कुछ था, पता नहीं क्या क्या नाम होते, सुहाल वगैरह, ये सारी चीज़ें थी। और सबसे महंगा तो हमें नींबू लगा बाज़ार में, क्योंकि नींबू की कीमत बहुत ज़्यादा है, मैंने पिछले भी ब्लॉग में आप सबसे कहा था। और ये आम है, भैया जी 20 रुपये किलो बेच रहे थे, और इस वक्त जो है कच्चे आम और पुदीने की चटनी हमें जो है अपनी गिज़ा में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। ये वही सूट है जो मैंने वहाँ लिया, तो ये मुझे रिजनेबल प्राइस में मिल गया था। तो यही मेरी सारी शॉपिंग थी, ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा है। तो बस ये सारी शॉपिंग कैसी लगी बताइएगा। तो जनाब ये वही दवा है जो मार्केट से जो है ले करके आए थे, लेकिन कुछ दवा जो हमने रोज़ी से मंगाई क्योंकि बाज़ार में मिली नहीं, तो आधी दवा हम ले आए थे और आधी दवा मेरी बाकी थी, तो रोज़ी ले करके आई। तो रोज़ी को जो है क्या करते हैं, हम लोगों ने हिसाब किताब दिया, और मेरे सर में इतनी दर्द थी कि मुझे जो है 4 बार सर के अंदर झंडू बाम लगाना पड़ा और 2 बार मेडिसिन लेनी पड़ी। और आगे रोज़ी को मैंने 500 की नोट दी थी, और रोज़ी ने कैसा हिसाब किया है वो आप सब देखिए और उसको इन्जॉय करिए आगे की क्लिप को। यही दवाएँ थी जो लानी थी, जोड़ो। तो कुछ दवाएं बाज़ार में नहीं मिल पाई थी, कुछ आकर फिर हमने अपने यहाँ हमारा घर है यहाँ पर, वहाँ पर काफ़ी टेक्नोलॉजी है, हॉस्पिटल स्टोर है, तो वहाँ से मिल गई थी। हमने रोज़ी को भेजा, आप जाओ ले। और वैसे भी मेरे सर में कल इतनी दर्द थी, मैंने 4 बार झंडू बाम लगाया है, सोच लीजिए कितनी दर्द थी। मैंने दवा भी 2 बार ली, तो रोज़ी इसका पैसा नहीं जोड़ पा रही थी। और आगे जो आपको आवाज़ सुनने को मिलेगी, आप सभी उसको इंजॉय करिए और देखिए रोज़ी ने हिसाब कैसे जोड़ा है, तो मज़ा बहुत आने वाला है आपको आगे। तो चलिए बस मेरा ब्लॉग यहीं तक की था, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए रखिएगा याद, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक की था, चलिए आपसे इजाज़त लेते हैं और इंशाअल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और रात 10 बजे लाइव में ज़रूर आइएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।